हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिट में। दोस्तों, क्या आप अपने घर में एक हैंडपंप लगवाने की सोच रहे हो या फिर इन फ्यूचर लगवाने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हैंडपंप लगवाने में आखिर हमें कितना का खर्चा आता है और इसमें कौन कौन से पार्ट लगते हैं और उन पार्ट्स का क्या नाम है। तो दोस्तों, मेरा नाम है संजय नायक, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इजी फिट। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के प्यार के कारण हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी हिट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम इसी तरह और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आज बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हैंडपम्प की बॉडी की। उसका जो आपको प्राइस पड़ेगा वो आपको 3 से 4 हज़ार रुपया पड़ जाएगा, वो भी सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला। अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। दोस्तों, ये जो सिलेंडर है ये हैंडपम्प का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो आपका पानी है वो ऊपर खींचा जाता है। अगर ये सिलेंडर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको ये दो टाइप्स में देखने को मिलेगा, एक आपका लोहे वाला और एक आपका ब्रास का। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आपको ब्रास वाला लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो लाइफ है वो लोहे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये लॉन्ग लाइफ चलता है। वैसे लोहे वाला जो है वो आपको सस्ते में तो मिल जाएगा, लेकिन उसका लाइफ जो है वो उतना नहीं होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर खर्चा कर ही रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ही कर लो, क्योंकि आगे चल के अगर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाए तो हैंडपम्प को खोलना, फिर से रिपेयर करना, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग और खर्चीला होता है। इसलिए जो खर्चा हो रहा है वो एक ही बार हो जाए तो सही रहता है। दोस्तों, बात हम करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको 1200 से लेकर 1500 रुपये में सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपको आराम से मिल जाएगा। अब हम बात करें चेक वाल्व की, तो ये आपको 350 से लेकर 400 रुपये में मिल जाएगी। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी पाइप और रोड की, तो ये डिपेंड करेगा आपकी बोरिंग पे कि आपका बोरिंग जो है वो कितनी गहराई तक की गई है और आपका जो वाटर लेवल है वो कहाँ से है। तो मैं एक कॉलम पाइप का जो हाइट बता दूँ, वो तो एवरेज 10 फीट ही होता है। और इसका प्राइस की हम बात करें तो एक सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉलम पाइप आपको 300 से 350 रुपये में मिल जाएगा। अब हम बात करें रोड की, तो दोस्तों रोड जो है वो आपको लोहे में भी मिल जाएगा और स्टील में भी मिल जाएगा। तो जो लोहे का प्राइस है वो आपको 250 से 300 रुपया पर पीस पड़ जाएगा, और जो स्टील का है वो आपको 700 से 800 रुपया पड़ जाएगा। तो आप अपने बजट के अनुसार कोई सा भी ले सकते हो। बात हम करेंगे इंस्टॉलेशन चार्ज की, या जो भी मिस्त्री या प्लम्बर आपके यहाँ हैंडपम्प इंस्टॉल करने आएंगे वो आपसे कितना चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपके बोरिंग पे भी डिपेंड करती है, लेकिन एवरेज में आपको बता दूं तो 1500 से 2000 रुपया तो इसमें आपके लग ही जाने हैं इंस्टॉलेशन चार्ज। बाकी में जो आपका बॉडी है वो तो फिक्स है, और आपका जो सिलेंडर है वो भी फिक्स है। बाकी जो आपका पाइप हो गया और रोड हो गया वो आपके बोरिंग पे डिपेंड करेगा। तो आप अपने अनुसार टोटल कर लेना कि आपका कितना खर्चा लगने वाला है इसमें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार रही होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि हम इसी तरह और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।